Hi guys, hope you are doing good. I am Chef Raj and welcome to Sanjeev Kapoor Khazana. आज मैं आपके साथ एक रेसिपी जो शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी यूनिक है और आपने अक्सर इसे मानसून में एंजॉय किया होगा. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भुट्टे की. भुट्टा हमें अक्सर देखने मिलता है मानसून में. वी जनरली वेट थ्रू आउट द ईयर टू ईट दिस लवली भुट्टा. वैसे तो पूरे साल भर मिलता है बट बारिश में इन्हें रस्ते पर भून के दिया जाता है, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव. और इसका मैं कुछ सोच रहा हूँ अलग अंदाज में पकाते हैं, तो आज मैं इसके पकौड़े बनाने वाला हूँ. तो ये मैंने ऑलरेडी मार्केट से लाया हुआ है जो कि भुना हुआ मकाई है, यानी कि भुट्टा. अगर ये आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल बाज़ार से ये भुट्टा लेके आ सकते हो एंड यू कैन ग्रिल इट ऑन योर गैस स्टोव. बट ये वाला जो भुट्टा है ना, उसमें एक अलग ही स्वाद होता है फ्रॉम दैट चारकोल, बिकॉज लोग चारकोल पे ऐसे भूनते हैं तो उसका एक फ्लेवर आ जाता है इसमें, तो विच इज़ वेरी क्वाइट यूनिक. और मैं इसलिए इसे बाहर से लेके आया हूँ जहाँ पर ये रोस्ट हुआ था कोयले पर, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ. एंड चलिए इसे अब हम जो कर्नल्स है इसे उसे निकाल लेना है हमें. तो विद अ शार्प नाइफ. एक्चुअली आप सोच रहे होगे इतना अच्छा भुट्टा रखा है, किसी का मन करेगा इसे इस तरह काट के और फिर पका के खाने? लोग तो ऐसे ही खा जाएंगे. जी हाँ, मैं भी इसे ऐसे ही खाना पसंद करता हूँ. बट टू क्रिएट एंड इनोवेट समथिंग न्यू, कुछ थोड़ा सा त्याग देना पड़ता है, बिकॉज इसके बाद जब आप जो पकौड़े खाओगे उसका भी स्वाद कुछ मज़ेदार होगा. तो लीजिए भुट्टा. तो इसके कर्नल्स को मैं इस तरह से तोड़ लूँगा. तो बढ़िया सा कॉर्न भुना हुआ यहाँ पर. चलिए उसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैं एक बड़े से बोल में. तो इन गोज द कॉर्न. तो इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा प्याज, तो उन्हें मैं चॉप कर लेता हूँ. बट उससे पहले, क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे पकोड़े को, तो मैं ऑयल यहाँ पर गर्म करने रख देता हूँ. ज़्यादा फाइन नहीं काटूँगा मैं, रफली चॉप करूँगा इसे. और आप चाहो इसमें तो आप दूसरे फ्लेवर्स भी दे सकते हो. अगर आपको पालक डालना है पालक डाल सकते हो, थोड़ी सी मेथी डालना है मेथी डाल सकते हो. कॉर्न एंड पालक इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, तो वो भी आप कभी ट्राई कर सकते हो. बट फिलहाल आज मैं इसमें खाली प्याज का स्वाद दे रहा हूँ. प्याज यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया, साथ ही में मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, इसे भी चॉप कर लेते हैं. अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर चलिए डाल देता हूँ मैं इस बोल में. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा मैं. और जितना हो सके आप कॉर्न के कर्नल्स को वो सेपरेट कर लीजिए. तो ये हो गया. अब इसमें पड़ेगा बेसन. ये बेसन बनता है अनपॉलिश चना दाल से, विच इज़ हाई इन प्रोटीन. और अब इसी के साथ इसमें डालूँगा थोड़े मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, इसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन, अ पिंच ऑफ सोडा. अब हल्का सा पानी डालूंगा मैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा पहले, क्योंकि जब आप मिक्स करोगे, क्योंकि हमने अनियन डाला है इसमें, अनियन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो पहले ही ज़्यादा पानी ना डाले. अगर लगे तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं. वी डोंट वांट अ थिन बैटर. तो आप देख सकते हैं मैंने बेसन जो डाला है वो सिर्फ कॉर्न और प्याज को बाइंड करने के लिए डाला हुआ है. तेल भी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है. इट्स टाइम टू फ्राई देम. चलिए पकौड़ों को ऑयल में डाल देते हैं फ्राई होने के लिए. तो अब पकौड़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा जब तक कि इन पर एक सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता. तो इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से. लुक एट दिस, जो हमने पहले डाला था, ऑलमोस्ट दे आर रेडी. दे हैव गॉट अ नाइस गोल्डन कलर ऑन देम एंड इट विल बी क्रिस्पियर फ्रॉम आउटसाइड. और अंदर से सॉफ्ट होगा थोड़ा, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला इसमें. तो और थोड़ा सा इसे पकाएंगे एंड देन विल ड्रेन देम आउट ऑन एन अब्सॉर्बेंट पेपर. सो बढ़िया सी खुशबू, देखिए कलर जो है सब पे इवन आ चुका है एंड दे हैव गॉट अ नाइस गोल्डन कलर एंड बढ़िया क्रिस्प भी हो चुके हैं ये.
तो इट्स टाइम टू टेक देम आउट. तो चलिए इसे निकाल लेता हूँ मैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर. तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं विद सम केचप एंड ग्रीन चटनी यहाँ पर मेरे पास है. तो लीजिए गर्मा गर्म कॉर्न पकौड़ा तैयार है. जैसे कि मैंने कहा आप अपने वेरिएशन में से ट्राई कर सकते हैं. यू कैन ऐड पालक, यू कैन ऐड मेथी, वॉट एवर यू फील लाइक, बट ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स. फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल संजीव कपूर खजाना एंड डू कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग टू आर वीडियोज़.